दोस्तों ये बात तो आप जानते हैं कि पिछले काफी टाइम से शिल्पा शेट्टी और उनके परिवार के सितारे काफी खराब चल रहे हैं। राज कुंद्रा जो कि शिल्पा शेट्टी के पति हैं, उनके अश्लील फिल्मों के मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है और तब से लेकर अब तक राज कुंद्रा जेल में ही बंद है। पति राज कुंद्रा के पॉर्न स्कैंडल मामले के बाद विवादों का सामना कर रही बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी अब वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंच गई हैं। जी हां दोस्तों, इतने सारे विवादों के बीच शिल्पा शेट्टी लगातार मुश्किलों का सामना कर रही है, तो इसी वजह से वो वैष्णो देवी माता के दर्शन करने के लिए पहुंच चुकी हैं और उनकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गई हैं। इस दौरान शिल्पा शेट्टी घोड़े पर बैठकर कटरा से वैष्णो देवी मंदिर तक पहुंची। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी काफी सख्त नजर आई। शिल्पा शेट्टी जिस तरीके से इतने दिनों से विवादों का सामना कर रही है, काफी परेशान भी नजर आ रही थी। हालांकि उनके चेहरे पर कभी कभी स्माइल तो देखने को मिली, लेकिन हर कोई जानता था कि शिल्पा शेट्टी अंदर से कितनी परेशान है। शिल्पा शेट्टी ने यात्रा के दौरान जय माता दी जयकारे भी लगाए। दर्शन के बाद उन्होंने कहा कि वो काफी खुश हैं कि माता ने उन्हें अरसे बाद बुलाया है। शिल्पा शेट्टी ने बताया कि वो माता वैष्णो देवी की भक्त हैं और टाइम मिलने पर यहाँ हाजिरी लगाने आती रहती हैं। शिल्पा शेट्टी ने बुधवार शाम करीब 5:30 बजे चढ़ाई शुरू करी। इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें भी जारी की जिसमें वो मास्क लगाए घोड़े पर बैठी नजर आ रही हैं। उनके आसपास काफी पुलिस भी नजर आ रही थी। बताया जा रहा है कि वो फ्राइडे सुबह कटरा के लिए निकलेंगी, जहां से वो जम्मू के लिए रवाना हो जाएंगी।